है बिरयानी मसाला नूडल्स। वैसे तो बिरयानी खाना सभी को बहुत पसंद होता है और नूडल्स भी बहुत पसंद होते हैं सभी को, तो इसीलिए आज हम एक ट्विस्ट के साथ बनाएंगे बिरयानी नूडल्स, जो है एक बहुत ही अलग डिश और बहुत ही टेस्टी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैंने पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें हम नूडल्स बॉईल करेंगे। इसमें मैं यहाँ पे 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून ऑयल ऐड करते हुए हम इसमें अब नूडल्स ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर नूडल्स को थोड़ा सा क्रश कर लिया है। इसको हम ऐड करते हुए इसको हमें अच्छे से बॉईल कर लेना है। करीबन हमें इसको 75% तक बॉईल करेंगे। इसको ढक देंगे 5 मिनट्स के लिए ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं जब तक कि नूडल्स बॉईल नहीं होते। थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने यहाँ पे, उसमें 2 इलायची, 2 दालचीनी और 2 लौंग ऐड कर लिया है। उसी में ऐड करेंगे प्याज स्लाइसेस में कटी हुई। इसको हमें अच्छे से सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेना है। इसको हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्की सी सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। जब ये हल्की सी पिंकिश हो जाए इस तरीके से, तब तक हमें इसको फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्लाइसेस में कटे हुए टमाटर। यहाँ पे मैंने 4 टमाटर लिए हैं और 4 प्याज बड़ी ली है। इसको हमें अच्छे से मिक्स करते हुए सारे टमाटर को सॉफ्ट होने तक अच्छे से पका लेना है। अब टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसाले ऐड करेंगे यहाँ पे लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया, हल्दी, गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार ऐड कर लेंगे। इसको ऐड करने के बाद हम इसी में ऐड करेंगे, अगर आपके पास मैगी मसाला हो तो ऐड कर लीजिए। यहाँ पर मैं मैगी मसाला ऐड कर रही हूँ, या आप कोई टेंडर मसाला भी ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्च ऐड करेंगे, उसी में ऐड करके हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। मटन को मैंने ऑलरेडी गला कर उसको स्लाइसेस में काट लिया है इस तरीके से। ये देखिए मटन को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। इसको अब हम ऐड कर लेंगे। इसी में ऐड करके हमें इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेना है। जब तक कि सारा मसाला, मटन मसाला अच्छे से पक नहीं जाता, सारा मसाला जैसे बिरयानी पकती है वैसे ही। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। बस हरा धनिया ऐड कीजिएगा, पुदीना वगैरह कुछ ना ऐड कीजिएगा, थोड़ा सा टेस्ट बदल ही जाएगा। अब चेक कर लेते हैं, नूडल्स भी हमारे अच्छे से पक चुके होंगे, तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए नूडल्स परफेक्टली 75% तक पक चुके हैं। ज़्यादा बिल्कुल ना गलाएं। इनको इमीडिएटली पानी से अलग करके इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी जो होता है वो ऐड कर लीजिएगा। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे नूडल्स, मसाले में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे 2 स्पून्स चाहिए इस तरीके से, 2 बड़े चम्मच इस तरीके से। आप इसको ऐसे मिक्स कर लीजिएगा, आसानी से मिक्स हो जाते हैं। ऐसे ही सारे मसालों में अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। जब आप मिक्स कर रहे हैं तो फ्लेम को थोड़ा सा लो रखें और अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर हाई फ्लेम कर के आप इसको चलाते हुए हाई फ्लेम पे थोड़ा सा मिक्स करके पका लें। तो ये थी हमारी आसान सी रेसिपी। मिक्स करने के बाद आप इसको गरम गरम सर्व कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं, ऐसे ही पता चल जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। हम राइस के साथ तो बिरयानी बनाते हैं, बट नूडल्स के साथ बनाकर देख लीजिएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो दूसरों तक शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे ऐसी ही अगली नई वीडियो में। चैनल पे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।